the memory of struggles and sacrifices of our people, 14th August is a day to remember as a Partition Horrors Remembrance Day or a tragedy of partition. Partition pains can never be forgotten. Millions of our people were forced to displace and many lost their lives due to mindless hate and violence. I would like to call Dr. Prerna Madam, Dr. Daniel Sir, Dr. Utkarsh Sir, Dr. Vishal from Forensic Department, Praveen Arora from Forensic Department, Dr. Bose Madam, please escort Dr. Bose Madam. यादों में एक खास बात होती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, एक बार याद करने बैठो तो फिर यादें ताजे हो जाती है। इट मे बी अ डे टू कीप रिमाइंडिंग अस ऑफ द नीड टू रिमूव द पॉइजन ऑफ सोशल डिविजन्स, डिसहार्मनी एंड फर्दर स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस एंड सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट। आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर आनंद मिश्रा सर टू शेयर हिज फ्यू वर्ड्स विद अस। नमस्कार। विभाजन, पार्टीशन, सेपरेशन एक ऐसा घाव जो मुझे नहीं लगता कि अखंड भारत के शरीर से कभी मिट सकता है और जिसका दर्द हमारे बुजुर्गों ने फेस किया है और हमें उसको फील करते रहना है। ये एक ऐसा निर्णय था जो चाहते ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा। संभवतः उस समय इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ना रहा होगा जो हमारे नेताओं को या हमारे लीडर्स को ये मजबूरी स्वीकार करनी पड़ी। अगर हम विभाजन की बात करें तो इसकी नींव रखी गई थी 1857 के युद्ध में। अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर हिंदुस्तान को जीतना है तो हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे और उस पे लिखेंगे अखंड भारत, तो अखंड भारत अगर आप देखेंगे तो वो पर्शिया से शुरू होता है और इधर वर्बा तक एक बहुत बड़ा भूभाग हमारा था। और जब 1857 का युद्ध हुआ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर किसी व्यक्ति ने उसको बहुत मजबूती के साथ लड़ा। आप सभी सोचेंगे कि ईसाई, जी हाँ, उस समय देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में हमारे कई समर्थक ईसाई बंधु भी थे, सभी ने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी। उसके बाद अंग्रेजों को एक बात समझ में आ गई कि अगर इनको तोड़ना है तो इनको धर्म के आधार पर विभाजित करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है और हमें बने रहने के लिए। तो इसकी अगर हम शुरुआत 1857 के बाद देखना शुरू करें तो 1905 में उन्होंने एक फैसला लिया, उसमें उन्होंने ईस्ट और वेस्ट बंगाल को जाति के आधार पर बांट दिया। वेस्ट बंगाल जिसको हम जानते हैं कलकत्ता और वो, उसको हिंदू राष्ट्र की तरफ रखा और ईस्ट को बांग्लादेश जिसमें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि उस समय भी हमारे बीच में इतनी यूनिटी थी कि उसका जबरदस्त विरोध हुआ, विद्रोह हुआ और कई प्रदर्शनों और कई सालों की मेहनत के बाद 1911 में मजबूरन उन्हें वो आदेश वापस लेना पड़ा। क्योंकि हमारी संस्कृति में अपना पराया था ही नहीं। हम सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते थे, हम हमेशा मिलके रहे। फिर उसके पश्चात अंग्रेजों को ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि ठीक है, हमने इसमें हम सफल नहीं हुए लेकिन प्रयास तो कर लिया था और एक क्रैक डेवलप कर लिया उन्होंने। 1919 में मुस्लिम लीग ने इस बात को आगे बढ़ाना शुरू किया और 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ये फैसला हो गया कि उनको एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। अब हमारा देश भी बड़ा विचित्र था, विचित्र इन द सेंस कि जहां की पब्लिक हिंदू थी तो राजा मुसलमान था, जहां ज्यादा पब्लिक मुसलमान थी वहां राजा हिंदू था। क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बंटवारे की बात आई, बंटवारे के लिए एक विशेष व्यक्ति को नॉमिनेट किया गया, हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही थी कि आपको बंटवारा करना है। इस बंटवारे के लिए वो हिंदुस्तान आए और 3 जून 1947 को उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि बंगाल और पंजाब की विधानसभा फैसला करे कि क्या वो बंटवारा चाहते हैं। ये एक शुरुआत की उन्होंने। इसके बाद उन्होंने एक अंग्रेजी मूल के आर्किटेक्ट रेडक्लिफ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि रेडक्लिफ उस जिम्मेदारी के पूर्व एशिया में कभी आए ही नहीं थे। उन्हें इस भूभाग का कैसा संगठन है, कैसा रहना है,
इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उनको सिर्फ बोला गया। और इसको डिफेंड करने के लिए उनका ये कहना था कि चूंकि वो जानते नहीं तो वे इम्पार्शियल होंगे। अब बंटवारे की लाइन खींचना शुरू हुई, तो बंटवारे की लाइन भी बड़ी अजब गजब तरीके से खींची गई। पाकिस्तान को दो हिस्से मिले, एक हिंदुस्तान के इस तरफ और एक हिंदुस्तान के उस तरफ। वहां पे जब बांग्लादेश, जो कि आप बांग्लादेश जाना जाता है, ईस्ट बंगाल का एरिया जो था, वहां पर एक छोटी सी पट्टी हिंदुस्तान को दी गई कि आप जुड़े रहे नॉर्थ ईस्ट से। इन सभी चीजों ने एक बड़ी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी हिंदुस्तानियों को, या हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को लगने लगा कि हम असुरक्षित हैं। अब चूंकि जातिगत भावनाएं भड़काई जा चुकी थी और फैसला इतनी जल्दी में लिया गया, सिर्फ 3 हफ्ते में ये डिवीजन हो गया। आज मैं आपको बोल दूं कि आप मध्य प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में हैं, चलिए शिफ्ट होना शुरू हो, आधे इधर आधे उधर, संभव नहीं है। ना कोई व्यवस्थाएं थी, ना कोई वाहनों की सुविधा थी, ना ट्रेन, ना बसेस, ना इतनी ज्यादा सुविधा नहीं थी। और एक बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होना शुरू हुआ। उस पलायन ने जो दर्द हिंदुस्तान को दिया है, उस दर्द की कल्पना करना भी असंभव है। लाखों लोग बेघर हुए। हमारे खुद के लोग, जिनका खुद की संपत्ति थी, वो रिफ्यूजी कहलाने को, रिफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हुए। तो एक बड़ी विकट परिस्थिति थी, पर उसके अलावा कोई रास्ता ना था। और 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत से पाकिस्तान की तरफ लाखों लोग चले, पाकिस्तान से भारत की तरफ लाखों लोग चले। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट होगी तो क्या होगा। और जातिगत बीज बोए जा चुके थे, हम अपने भाइयों के दुश्मन बन चुके थे, या हमारे भाई हमारे दुश्मन बन चुके थे। तो इस दिन को याद रखना इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की एक लड़ाई जब समाप्त हुई तो वो भी एक नई लड़ाई को जन्म देके समाप्त हुई। वो समाप्त ना होके हमारे बीच में जो एक जातिगत डिफरेंस क्रिएट कर गई, उस डिफरेंस को हमें हमेशा मिटाए रखना है। और हिंदुस्तान ने हमेशा सहिष्णुता की ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे बीच में आज हैं हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बोस मैडम, जो कि बहुत कम उम्र में इस पार्टीशन की एक हिस्सेदार रही हैं। उन्होंने इस दर्द को खुद स्वयं महसूस किया है। आप सोचेंगे कि 4 साल के व्यक्ति को इस दर्द को भूला जाना असंभव है। तो मैं सादर सभी ने आमंत्रित करता हूँ बोस मैडम को कि वो पार्टीशन से संबंधित अपने विचार, अपने अनुभव शेयर करें। आदरणीय वाइस चांसलर डॉक्टर ज्योति बिंदल, दीन साहब को अभी अभी सबने शायद बुला लिया है, और सम्मानित मंच पे जितने आसीन अधिकारी थे, सभागृह में बैठे हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सबको 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव की बधाई देती हूँ, क्योंकि ये जो मेरे को अभी प्लेटफॉर्म मिला है, शायद मैं सबको इकट्ठे 15 अगस्त को मुबारकबाद ना दे पाऊँ। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप हमेशा खुश रहिए, और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपने आज़ादी के बाद ही इस देश में जन्म लिया, और आपने आज़ादी की ही खुशियाँ, आनंद और जितनी चीज़ें आपको ज़िंदगी में अभी तक आपकी उम्र तक और बड़ों को बड़ी उम्र तक देखनी थी, सब ने उनको देखा, उसके लिए बहुत प्रसन्नता भी होती है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है कि ये जो आज आप आज़ादी के दिन को इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, हर तरह से आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी करो, खाना पीना आपको इतना व्यवस्थित मिल रहा है, इवन गरीब से गरीब लोगों के घर में आजकल अनाज पहुंच रहा है, लेकिन ये किसकी कुर्बानियों से आप सबको मिला, इसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जो लोग बंटवारे के समय आए हैं, उस समय के उनके क्या एक्सपीरियंस थे, क्या उनको याद करना ज़रूरी नहीं है, क्या उस समय खून नहीं बहा था, क्या उस समय बेटों और बेटियों की हत्या नहीं हुई थी, क्या उस समय बच्चे भूखे नहीं मरे थे,
तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए और उनकी भी कुर्बानियों को याद करना चाहिए और उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उनके बदौलत भी हमें जो आज आज़ादी का सुख प्राप्त हो रहे हैं वो है। तो ये जो हॉरर्स वर्ड यूज़ किया गया है, हॉरर्स क्या है, सच में ये बहुत हॉरिफाइड है। मेरा जन्म गुजरांवाला लाहौर के पास है, 1943 में हुआ था। मैं सिर्फ 4 साढ़े 4 साल की हुई जब ये पार्टीशन हुआ था। मेरी यादें जो हैं वो यहाँ तक ही सीमित हैं कि खूब हल्ला हो रहा है, मारो 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 मारो, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और खूब लोग इधर के उधर भाग दौड़ रहे हैं। लेकिन छोटे होते मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। तो जितनी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी अभी, वो जो हैं मेरे बड़े भाई बहनों के द्वारा बताए हुए, मेरी माँ के द्वारा बताए हुए, मेरे पापा के द्वारा बताए हुए, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा बताए हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, मेरे ही परिवार का एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस बहुत सारे परिवारों ने उस समय भुगता जब ये पार्टीशन हुई थी। मेरे ख्याल में आप लोगों में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनके ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते होंगे या पार्टीशन के समय आए होंगे, उनका दुख भी आप सुनिए। आज तक हम जब बात करते हैं या याद करते हैं, वी बिकम सो इमोशनल कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान, जिन लोगों के साथ हम इतना मिलजुल के रहते थे, एक थाल में खाना खाते थे, वो रातों रात उनके मन में इतना जहर किसने घोल दिया, ये अभी तक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको समझने के लिए, सोचने के लिए, हालांकि हमारे पास बहुत व्यूज हैं, आई वॉज डिस्कसिंग विद डॉक्टर अरोड़ा ऑल्सो कि किस बात ने इतना जहर घोल दिया जिसकी वजह से हमें इतना सहना पड़ा जब हम रिफ्यूजेस हो के आए। तो जैसे ही मतलब मेरे को पता चला, मेरी बड़ी बहन ने मेरे को बताया, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो देखा कि पूरे परिवार के लोग बहुत रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, भैया आप क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जब हम लोग वहाँ से निकले थे तो मेरे फादर को आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि आप अपना सामान ले जाओ, ये नहीं मालूम कि आप इस तरफ लौट के आओ या ना आओ। तो मेरे फादर ने बोला कभी हो ही नहीं सकता, हम इतने प्यार मोहब्बत से सब रहते हैं, ये तो एक टेम्परेरी है, तो झगड़ा फसाद हुआ है ठीक हो जाएगा, तो मैं तो इसमें सामान नहीं भरूंगा, लेकिन मेरे मोहल्ले की जितनी जवान बच्चियां हैं मैं उनको साथ लेके निकलूंगा। तो उसमें पता नहीं मेरे फादर ने कितनी बिल्कुल तब याद नंबर तो याद नहीं, लेकिन वो ट्रक जो था वो मिलिट्री का ट्रक था जिसमें हम भर के आए थे सारे, उसमें बहुत सारी लड़कियाँ हमारे साथ। इतने में मेरी बड़ी बहन बोलती है कि पापा ने अपनी बड़ी बहन को बोला कि बहन जी आप भी चलो, यहाँ पे बहुत तेज सब मचने वाला है, खून खराबा होने वाला है। मेरे को ऐसा अंदर से लगता है, मैं ऊपर से बोल तो रहा हूँ लेकिन जिस तरीके से इतनी दहशत फैली हुई है, इस चक्कर में आप करो अपने परिवार को भी अपने साथ ले लो। तो मेरे फूफा जी बोलते हैं मेरे जो साथ में रहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि खुद मर जाएंगे लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और ये 10-15 दिन की बात है, लौट आई उनकी 3 जवान लड़कियाँ, 1 लड़का और माँ बाप, ये फैमिली जो है हमारे उसमें जो कि बिल्कुल हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, ये लोग वहाँ पे रहे और बाकी हम लोग यहाँ पे आए। जब हम यहाँ पे वापस आ गए तो हमें ठिकाना कहाँ मिला, जलंधर। जलंधर में हमें रिफ्यूजेस बना के रोका गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम कितने भूखे रहते थे और किस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा खाना खाने को मिलता था। उसके बाद मेरे भाइयों ने क्या सोचा, जो बेचारे पढ़ रहे थे वहाँ पे गुजरांवाला में, उन्होंने सोचा कि हम कुछ काम करें। तो काम करने में क्या हुआ कि वो होटल्स में गए, होटल्स में जाके उन्होंने बर्तन मांजे, बर्तन मलते थे सबके, और उसके बाद थालियों में जो जूठन बचती थी उसको जेब में बेचारे भर के ले आते थे, और वो जूठन जो है वो अपने छोटे, जो हम छोटे छोटे मतलब थे, मैं 5 साल की थी, फिर मेरी सिस्टर 7 साल की, लाइक दैट, उनको पहले वो खिलाते थे।
इन बच्चों का पेट भर जाए। और अचानक एक दिन एक लड़का जो कि मेरा कजन था, मेरे बुआ जी का लड़का, मैंने बोला कि तीन लड़कियां और एक लड़का था, अचानक वो वहां पे जलंधर पहुंचता है तो सब उसको देख के बोले कि बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो बोला बाकी लोग तो नहीं रहे, मेरे को छुरा लगा था और उस छुरे की वजह से मैं बेहोश हो गया, तो उन लोगों ने सोचा कि शहर में मर गया हूँ। तो बोले बहनें कहाँ पे हैं, तो जो बहनों का वर्णन दिया उसने और मेरी बुआ और फूफा के कैसे प्राण निकले, ये बच्चों मैं आपको वो हॉरिफाइड चीज तो बताना भी नहीं चाहूँ। आप सोच लीजिए कि कितनी मतलब क्रुएलिटी हो सकती है, एक्सट्रीम तक चले जाइए, एक्सट्रीम तक चली जाइए। वो जवान लड़की उनके सामने कैसे उनको मौत दी गई, कैसे उनके फादर को उसी समय वो मर गए, कैसे उनकी माँ मर गई वहीं पे और सारी लाशें जो थी वो ट्रक में लाद दी गई और रवाना कर दी। उसमें किसी ने देखा कि एक लड़के में श्वास आ रहे हैं तो इसको मार दिया जाए, लेकिन दूसरा पीछे कारवां आ रहा था हिंदुस्तान का, तो उन्होंने उस लड़के को पकड़ लिया, उसको अपने साथ लेके आ गए और उसका ट्रीटमेंट करवाया। और उसने जैसे तैसे, क्योंकि हम लोग बोल रहे थे कि हम जलंधर जाएंगे, जलंधर जाएंगे, शहीद बजवीर, ये हम लोग जलंधर नहीं जा रहे हैं। तो जब वो जलंधर पहुंचा तो हमारे घर वालों ने पूछा बाकी लोग कहाँ हैं, तो उसने ये सारी व्यथा सुनाई कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, सिर्फ मैं ही एक हूँ जो बच गया। इसके अलावा फिर क्या हुआ, हम लोगों की पढ़ाइयों का क्या हुआ, हम लोग कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी फैमिली ही मतलब डिस्प्लेस की गई थी, जब हम लोग मतलब भगाए गए थे, देयर वर सो मैनी फैमिलीज विद अस। और हम लोगों को दिल्ली में, फिर हम लोग आए दिल्ली में, एक किसी मुसलमान का घर था, उसमें बहुत बड़ा घर था, उसमें हम लोगों को, मेरे मामा के परिवार को, चाचा के परिवार को, हमारे परिवार को, और आप ये राजेंद्र कुमार हीरो जानते हैं उसके परिवार को, उसके बाद एक शाम हीरो हुआ करता था हमारे ज़माने में जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, उसका परिवार, डॉक्टर अग्रोट का परिवार, आप सोच लो 100-150 लोग एक बने हम लोग समाए। और इतनी इतनी जगह हमें रात को सोने के लिए मिलती थी, और दिल्ली की गर्मी को आप इमेजिन कर लीजिए, दिल्ली की सर्दी को आप इमेजिन कर लीजिए, कि किस तरीके से हमने निर्वाह किया होगा, किस तरीके से हमने भुगता होगा उसको। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे माँ बाप, और उधर से उनके माँ बाप ने, राजेंद्र कुमार की मौसी थी, शक्ति मौसी उनको बोलते थे, इन तीनों चारों औरतों ने क्या सोचा कि कुछ तो कमाएं, क्या करें। तो बोले अलग अलग चूल्हा जलाने से क्या होएगा, एक एक चूल्हा जलाओ और ये जो 100-150 लोग हैं उनका खाना एक एक जना जिम्मेदारी ले लें, एक सिर्फ तंदूर में रोटियां सेकेगा, क्योंकि पंजाब में रिवाज था तंदूर की रोटियां ही बनती थी, तंदूर में रोटियां सेकेगा, एक जना जो है वो सब्जी बनाएगा, एक जना जो है ये मतलब दूसरा कुछ काम करेगा, कपड़े धोएगा सबके, लाइक दैट इज विमेन एट दैट टाइम दे डिवाइडेड वर्क अमंग अस। उसके बाद आया कि चलो भैया इतने तो हमने कर लिया। फिर गांधी जी ने, जिनके लिए मेरा अभी भी मन में, मेरे को अन्यथा ना ले, मेरा सिर्फ एक सवाल उठता है और वो बार बार मेरे जहन में आता है कि हम कितने शौक से ये गाना गाते हैं, दीदी आजादी हमें बिना खड़े बिना खा, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, क्या हमारे लिए कमाल, हम तो ऐसे रुल गए कि बच्चे भूखे हो गए, लोगों की नौकरियां छूट गई, घर छूट गए, कुछ साथ में नहीं है, अच्छे अच्छे घर, अच्छे अच्छे अमीर परिवारों के लोग जो हैं पैनी लेस्ट हैं, आपके आपने हम क्या कहाँ वो खड़क कहाँ वो धार, लेकिन वो खड़क ढाल नहीं थी जिनमें इतने लोगों का खून बहा था, किससे बहा होगा, खड़गो ढालों से ही तो बहा होगा ना, ऐसे कैसे देश आज़ाद हो। मेरे को इस चीज़ के लिए प्लीज़ अन्यथा मत लीजिए, आई एम ओपन फॉर करेक्शन, आई वॉन्ट दैट पीपल शुड कम टू मी एंड डिस्कस अबाउट दिस लाइन एंड हाउ वी कुड टॉलरेट दैट सॉन्ग सिंस लॉन्ग, क्यों नहीं हमने कभी ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, इसमें बहुत लोगों का खून जो है बहा है, इसमें बहुत लोग शहीद हुए हैं, इसमें बहुत लोग जो हैं अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। तो ये इतने दर्दनाक एक्सपीरियंस थे
आपको बताऊं कि मेरी स्कूलिंग कैसे हुई है। मेरे सबका स्टूडेंट लोग दिल्ली की सर्दियाँ सड़क के किनारे एक जगह बनी हुई थी, उसमें तार बिछते थे, कपड़े हम लोगों के पास नहीं थे, स्वेटर तक नहीं थे, सिर्फ गांधी जी की दी हुई वो खादी थी, मेरे को अभी तक उसका पैटर्न भी याद है कि उसमें क्या पैटर्न था। और वो जो चीज़ें थी उनको लपेट के हम सड़क पे भाई बहन बैठ के, एक मास्टर जी आते थे और भी पड़ोसी थे और वहाँ के भी बच्चे थे, सब बैठ के उस सड़क पे पढ़ते थे। और मैंने अपनी चौथी कक्षा तक की पढ़ाई उस सड़क के किनारे। उसके बाद जैसे मतलब आपको मालूम है मोस्टली जो हम लोग आए थे उस तरह से मोस्टली सिख लोग थे और पंजाबी, एंड बोथ दिस कम्युनिटीज आर वेरी एंटरप्राइजिंग कम्युनिटीज। उन्होंने आते से ही सब ने कुछ ना कुछ काम जो है वो शुरू कर दिए और करके थोड़ा बहुत गुजारा जो है वो होने लगा और हम बच्चों को स्कूल होने लगा क्या वहाँ जाके अपनी शिक्षा जो है वो लीजिए। लेकिन जहाँ पे रहने का सवाल, खाने पीने का सवाल और शान शौकत का सवाल, वो तो हम भूल गए। एंड यू विल रियली बियर विद मी कि आज मैं क्यों इतनी इमोशनल हूँ। माई फादर वॉज फ्रॉम रॉयल फैमिली ऑफ पटियाला और हमारा जो घर था विद्रान वाला, इट वॉज जस्ट लाइक अ पैलेस। माई फादर ओन्ड एटलीस्ट 3 फैक्ट्रीज, एक मेरे जो आपके बोर्डेज एडमिरा है, ये जो डिफरेंट पैटर्न है वो अलग पैटर्न की बनती थी और ये स्टील की चेयर्स बनती थी, दूसरे में फ्री में फ्यूज एक्सेसरीज, ग्रास की टैप्स बनती थी। उसके वो ओनर एंड ही वॉज इवन द ऑनर ऑफ ज्ञानीज बिकॉज ही वॉज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और उस समय ज्ञानी की पदवी जो है वो ली जाती थी, हर कोई अपने आगे ज्ञानी नहीं लिख सकता। तो उस परिवार का ये, और मैं अपने फादर की तरफ देखी थी कि उनका हौसला आखिर तक कितना बुलंद था, कितने वो शांत रहते थे, बोलते थे कि ये हर चीज़ जो है उतार चढ़ाव जिंदगी में हुआ। बोले देखो बेटा, परिवार भी जब बढ़ते हैं उनमें भी तो लिफ्ट आता है, उनमें भी तो कंफ्लिक्ट आता है, उनमें भी तो कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसी तरीके से सोचो कि हमारा परिवार जो है वो बढ़े। लेकिन जब हमारे मकान को वो लोग जलाने लगे तो कैन यू बीट इट के पापा के अंदर काम करते थे मेरे, जिनको हम चाचा जान बोलते थे, वो आए और आके बिल्डिंग के आगे लेट गए और उनके साथ जितने हमारे फैक्ट्री के आदमी थे सारे लेट गए, बोले पहले हमें जलाओ फिर इनके घर। और वो आज तक हमारा घर वहाँ पे है, जिसको अभी हर 3-4 साल में मेरी छोटी बहन पाकिस्तान जाती है बिकॉज शी इज़ अ स्टेट एंड सिटीजन हो चुकी है, उसको आसानी से वहाँ का वीज़ा मिल जाता है जबकि हमें नहीं मिलता। अभी तक जितनी फैमिलीज हैं वहाँ पर इतना प्यार मोहब्बत, इतना आपस में लगाव जो अभी तक नहीं गया है, तो आखिर क्या हुआ? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने हम सब लोगों के रिश्ते में, जो कि हम कभी समझते ही नहीं थे कि आज हमें किसके घर खाना खाना है, किसके यहाँ रहना है, किसके यहाँ जाके सो जाना है, जब हमें इस चीज़ का कोई फर्क पता नहीं था, ये कौन आया, किसने हमारी सबकी ज़िंदगी, चाहे वो मुसलमान हिंदू सिख ईसाई, सबकी ज़िंदगियों में जहर क्यों क्यों हमें इतना मतलब ऐसा कर दिया कि ना हमें घर का छोड़ा, ना हमें बाहर का छोड़ा, ना हमें इतनी फैसिलिटीज मिली, हम तो दोबारा से फिर उठे और दोबारा से फिर अपनी जिंदगी जी और फिर से हमारी पढ़ाइयाँ हुई और फिर से हम ईश्वर की दया से और शायद सब लोगों की दुआओं से हम सब भाई बहन अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुँचे, अच्छे अच्छे हमने काम किए। और ऐसा था, भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी आज के दिन तक हम वो नहीं भूल सकते कि कैसे हमारे भाई, एक मेरा भाई तो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट है, इंटरनेशनल साइंटिस्ट है, जिसके नाम से रिसर्च चलती है सिंसर नाइस, वो वाला आदमी कैसे जाके हॉटलों में झाड़ू देता रहा, बर्तन मरता रहा और लोगों की जूठन खाता रहा और काम करता रहा। तो कितने लोग बेचारे जब सब स्थापित हुए इधर उधर भगदड़ मचने लगे, उसमें कितने लोग मर गए आप सोच नहीं सकते।
कितना ब्लड शेड हुआ है, इट इज अनबिलीवेबल द वे माई ब्रदर सिस्टर एंड माई मदर यूज टू एक्सप्लेन. वो भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे. Yesterday night I talked to my sister. I just asked, I can you tell me some other memories so that I can share with the students. We have kitne tough times. Bole beta, why do you want to make them contact? I said no. They must know because our prime minister is not a mad guy. He's very intelligent person. He knows that हमें हर लोगों की कुर्बानी जिसका किसी तरीके से भी योगदान है उसके योगदान को एक्नॉलेज करें. आप ना भूलें कि आप भी इसमें पैदा हुए हैं, लेकिन आप उन लोगों के भी दुखों को याद करिए, उन लोगों को भी करिए कि किस तरीके से वो आगे बढ़े और कैसे खुले. तो मैं आप सब लोगों से बेटा यही बोलूँ, एक तो मैं चीज़ इसी प्लेटफॉर्म से बोलना चाहूँगी. मेरे को बहुत दुख होता है जब यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को फ्लैग हॉस्टिंग होता है, उस समय आप लोग कोई उपस्थित नहीं, बहुत कम लोग होते हैं. ये मेरी ऑब्जर्वेशन आज के लिए है, एक साल के लिए है, दो साल के लिए है, क्योंकि पहले तो फिर भी लोग आते थे, सब अलग अलग सेक्शंस में खड़े होते थे. टिल डेट आई हैव गॉट द फोटोग्राफ्स, आई विल शो टू मैडम बिंदल ऑल्सो कि कैसे लोग आके खड़े होते और कैसे झंडे को सलामी दी जाती थी और किस तरीके से होता था. लेकिन दिन ब दिन अब आप लोग जो है उसको एक छुट्टी मान के घर बैठ जाते हैं. क्या आपके पास 5 मिनट नहीं है उन लोगों के लिए जो आपके लिए मर मिटे, जो बेचारी जवान लेडीज विधवा हो गई और आज तक हो रही है, आपके लिए आपकी रक्षा के लिए आज तक देश में लड़ रहे हैं, क्या उनके लिए आपके पास 5 मिनट भी नहीं है क्या खाए और झंडे को सलामी? What you have to say? Have you got any answer for that? देखो हम छुट्टी रोज होती है, रोज सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये दिन तो इतना इमोशनल होता है, स्पेशली 15 अगस्त. कितना मतलब आप देखिए कि आप इस तरह से आजाद, हम भाई बहनों को दुश्मन आपस में मुस्लिम दिनों को दुश्मन बनाने वाले कौन थे? इट वॉज ओनली पोलिटिकल स्टंट, इट वॉज पॉलिटिकल बिकॉज एवरीबडी वॉज टू डू दी लीडरशिप. आपको जैसे आनंद ने बताया अभी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि दो हिस्सों में ये बट जाए, और आखिर जो है जब लीडरशिप की बात आई तो एक बोले पहले मैं, दूसरा बोलेगा पहले मैं, तीसरा बोला पहला मैं, और गांधी जी बोले बारी बारी मन. That was no answer to that question. तो क्या हो गया? जिन्ना तोड़ गए? वो तो बोले कि मैं चीफ करूंगा, और वो तो he was in favor of partition. तो उन्होंने partition करवा दी. लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो partition हम करवा रहे हैं इसमें कितना chaos मचेगा, कैसे लोग, ये बोलते हैं कि world का biggest migration था 1940. जब लोग इधर की उधर इधर की उधर बैठे सो दैट वॉज द बिगेस्ट माइग्रेंस. सो ये सब चीज़ों को आप अपने जहन में रखिए, अपने देश की फौज को मान सम्मान दीजिए. देखिए हम तो हमें कैसे आराम से पड़े गए, वो बेचारे कहाँ क्या क्या झेलते हैं, किसके लिए पैसा तो कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन एक देशभक्ति, देश के लिए भावना, देश के लिए प्रेम वो आप लोगों में भी होना चाहिए. आप लोगों का देश प्रेम किस चीज़ में व्यक्त होएगा? जब आप पेशेंस के ढंग से सेवा करें. आपका भी एक कर्तव्य, आप अपने क्लिनिक्स को अच्छे जाइए, नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है अच्छे से नर्सिंग करें, फिजियोथेरेपी के लोग अच्छे से फिजियोथेरेपी दें, सब लोग अपना अपना काम जो है सही ढंग से करें. तो मेरे को लगता है कि उससे हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे. यही आपकी देश सेवा आपकी समय लेगी, और अगर आप आज़ाद हिंद और आज़ादी के उसमें ही रहना चाहते हैं तो आपको अपने देश प्रेम रखना पड़ेगा, अपने तिरंगे झंडे का मान रखना पड़ेगा, उसकी मान, उसकी शान, उसकी बान, वही सबकी प्रतीक है, वो आप सबको मिलते हैं. तो एक्सपीरियंस तो बहुत है मेरे, लेकिन ऐसा है
कि कब तक मैं बांटूंगी, उसके लिए तो एक डेढ़ महीना भी मेरे को लगता है मेरे को कम पड़ेगा, बिकॉज बहुत कुछ देना है हमने। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा देश हमेशा बर्फा रहे और आप इस आज़ाद देश में आज़ादी से श्वास लेते रहें, खुश रहें, आबाद। पॉलिटिशियंस मेक अस डिवाइड और इसलिए हमें अपनी विट्स
अपनी बुद्धि, अपना नॉलेज, अपनी पढ़ाई अपने साथ रखना है। ऑफ कोर्स माय इन-लॉज आफ्टर ऑल दैट कत्लेआम माइग्रेटेड फ्रॉम, मतलब माइग्रेटेड नहीं, छोड़ा उन्होंने फिरोजपुर लिटरली ओवरनाइट, बिकॉज देयर वर चांसेस कि इन लोगों को भी आके मारे, ऐसी खबरें आ रही थी, हालांकि लोग इंडिया की साइड में थे। और देन दे came to Gwalior, my father-in-law came to Gwalior with 500 rupees in his hand, and his wife, mother, father, two younger brothers and one son, and then rebuilt his life. And of course then the cycle goes on, and then the Bindals made their empire. Wo sab baat ki baat hai, but from Firozpur they came with 500. Aaj bhi I don't remember, ek baar hum gaye the Firozpur, so we went and saw our family properties and all, they're still there. It's very famously known as Vardi Khana of Firozpur. So what I'm trying to say is ki jaisa ma'am ne kaha, these are genuinely horror stories, and it's really important ki hum apni culture, apni heritage aur apni sanskriti, apna itihas kabhi bhule nahi. That's very important for us to remember where they come from. Thank you. Aaj hum sabhi ne un anubhavon ko suna hai जो शायद हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, पर एक बार आप सबसे अनुरोध है कि जरूर अपने आप को इस जगह पर रखकर देखें कि भारत को यूं ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता। भारत के विश्वगुरु होने का सबसे बड़ा कारण ही है जो हमारी निष्ठा, आस्था और जो हमारी भारतीयता है। अगर आप इन सभी अनुभवों में सुनेंगे तो आपने एक चीज बहुत कॉमन पाई होगी कि उस समय पे भी हमारे समाज में शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। इतनी विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे परिवार को हमारे बच्चों की पढ़ाई की चिंता थी, और उस पढ़ाई और संस्कृति ने ही हमें आज यहाँ लाकर इस एयर कंडीशन कमरे में बैठकर, एक मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठकर फ्रीली अपने विचार शेयर करते हुए बैठने का एक मौका दिया, एक चांस दिया। जरा सोचिए, अगर वो ना होते तो क्या हम होते? नहीं। आज हम पीछे की सीट पे बैठ के बड़े आसानी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा लेते हुए ये बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, अरे ये ऐसे पढ़ाते हैं, ये वैसे पढ़ाते हैं, पर ऐसा सोचना भी उस समय पे असंभव था। मैं हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ आप सभी लोगों का जिन्होंने इन अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। अब मैं अनुरोध करूँगा हमारी वाइस चांसलर मैडम से कि हमारी मुख्य अतिथि बोस मैडम को मोमेंटो एंड एक छोटा पौधा देकर, एक स्मृति चिन्ह भेंट कर, प्लीज मैडम। नहीं मैडम, प्लीज, दिस इज आर ऑनर। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मार्गदर्शक मंडल में मैडम हमेशा गाइड करती रही है। आप सभी से अनुरोध है कि खड़े होकर तालियां बजाते हुए मैडम का मैडम और सभी लोगों की तरफ से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे अंदर देशभक्ति हमेशा बनी रहे। और देशभक्ति का अर्थ सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई लड़ना नहीं है, हम हर स्तर पर हर तरीके से अपने देश के विकास में योगदान देते रहे। इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत अभिवादन, वंदे मातरम। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए खड़े रहे। Thank you.
की जय। आई वुड लाइक टू थैंक वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, ईडीपी डिपार्टमेंट, माय कलीग्स एंड एवरीवन आउट हियर। जब आप खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो यादें हिंदुस्तान की हो, जब हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद।